हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस्टर अटैक। गाइस, जब भी ग्राफिक डिजाइन की बात आती है तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही टूल आता है, उसका नाम है फोटोशॉप। और ये सही भी है क्योंकि फोटोशॉप इज द मोस्ट पावरफुल ऐप, चाहे आपको कोई इमेज क्रिएट करनी हो या फिर इमेज को एनहेंस करना हो। फोटोशॉप किसी भी अदर फोटो एडिटिंग टूल से ज्यादा पावरफुल है। फोटोशॉप आपको लेयर्स फैसिलिटी के थ्रू टेम्पलेट्स क्रिएट करने में हेल्प करता है और आप किसी भी इमेज को आसानी से ट्वीक कर सकते हैं। लेकिन फोटोशॉप इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट सॉल्यूशन। आई मीन कि जरूरी नहीं है कि डिजाइन वर्क के लिए सिर्फ फोटोशॉप ही बेस्ट सॉल्यूशन है। आज इस वीडियो में फोटोशॉप के साथ साथ अडोब के दो और टूल के बारे में हम बात करेंगे, जिनका नेम है अडोब इलस्ट्रेटर एंड अडोब इनडिजाइन, जिनका यूज भी डिजाइन पर्पस के लिए किया जाता है। लेकिन किस तरह के डिजाइन, किस तरह डिफरेंट है ये फोटोशॉप से, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। हो सकता है आपने इनका नेम सुना हो, लेकिन हम में से बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इनका यूज क्या है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हमें कौन सा टूल कब, क्यों और किस पर्पस के लिए यूज करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोशॉप। फोटोशॉप को रास्टर इमेज एडिटर भी कहा जाता है। रास्टर मींस पिक्सल बेस्ड इमेज क्रिएट करने के लिए फोटोशॉप का यूज बखूबी किया जाता है। आपको कोई फोटो क्रिएट करनी हो, एडिट करनी हो, पेंटिंग, आर्ट वर्क या आपको वेब ग्राफिक्स क्रिएट करनी हो, आप फोटोशॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। रास्टर का जिक्र हमने यहाँ पर किया, मीन्स की फोटोशॉप जो रास्टर इमेज क्रिएट करता है वो पिक्सल बेस्ड इमेज होती है। अगर आप वेब ग्राफिक्स के लिए डिजाइनिंग कर रहे हैं तो फोटोशॉप इज बेस्ट टूल फॉर यू। फॉर एग्जांपल, आप किसी वेबसाइट का बैनर क्रिएट कर रहे हैं, हेडर क्रिएट कर रहे हैं, डिजिटल एड्स क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने पर फोटोशॉप से क्रिएट की गई इमेज के पिक्सल्स जो हैं वो फटने लगते हैं। यानी कि इसमें लिमिटेशन है, क्योंकि आप पिक्सल बेस्ड इमेज क्रिएट कर रहे हैं तो उसका जो पिक्सल साइज है वो फिक्स्ड होता है। फोटोशॉप आपको लेयर्स, इमेज एडजस्टमेंट एंड एनिमेशन जैसे फीचर्स भी देता है। अब बात करते हैं अपने दूसरे टूल की, यानी कि अडोब इलस्ट्रेटर की। अडोब इलस्ट्रेटर को वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर भी कहा जाता है। लोगोस, मस्कट्स, आइकन्स या फिर वन पेज डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए इलस्ट्रेटर सबसे बेस्ट टूल है। अगर आप प्रिंट मीडिया के लिए डिजाइन कर रहे हैं, यानी कि प्रिंटिंग पर्पस से डिजाइन कर रहे हैं, तो इलस्ट्रेटर इज द बेस्ट ऑप्शन टू यूज। इसका वेक्टर शेप फीचर आपको ऐसे लोगो या आइकन डिजाइन करने की फैसिलिटी देता है जिन्हें आप कितना भी स्ट्रेच करें इनकी क्वालिटी सेम रहती है, यानी कि इनके पिक्सल्स वगैरह आपको फटे हुए नजर नहीं आएंगे। टाइप सेटिंग और आर्ट बोर्ड जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको इलस्ट्रेटर में मिल जाते हैं। अडोब डिजाइन ऐप में अब हम बात करने वाले हैं इनडिजाइन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसे डेस्कटॉप पब्लिशर ऐप भी कहा जाता है। अडोब इनडिजाइन का यूज मल्टी पेज डॉक्यूमेंट या फिर सिंगल पेज डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। अगर आपको मैगजीन डिजाइन करनी हो या फिर न्यूज़पेपर डिजाइन करना हो तो इनडिजाइन इज द बेस्ट ऑप्शन टू यूज। इनडिजाइन में आपको मास्टर पेजेस, ऑटोमेटिक पेज नंबर्स एंड टाइप सेटिंग जैसे बेहतरीन फीचर्स यूज करने के लिए मिल जाते हैं। तो गाइज, हमने यहाँ पर देखा, हमने यहाँ पर जाना है कि अगर आप वेब बेस्ड प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं तो फोटोशॉप, प्रिंट बेस्ड प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं तो इलस्ट्रेटर एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग का वर्क कर रहे हैं तो इनडिजाइन यूज करना चाहिए। सो आई होप कि आपको इस वीडियो को देखकर ये समझ आ गया होगा कि तीनों ही ऐप में क्या डिफरेंस है और क्या पर्पस है इनका। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं इन तीनों ही टूल्स पर ट्यूटोरियल्स तो कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें बस्टर अटैक को। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।